तो गाइज अपनी साइकिल आ चुकी है, देख सकते हो ये है चूज माई बाई साइकिल से मैंने परचेज की। अब कौन सी साइकिल है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो पैकेजिंग है वो काफी यूनिक सी है। तो जिस कंपनी की बाई साइकिल है उस कंपनी का पैकिंग नहीं होके यहाँ पे चूज माई बाई साइकिल का है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्यों मैंने इससे परचेज किया एंड जो डायरेक्टली वेबसाइट से नहीं लिया या अमेजोन फ्लिपकार्ट से नहीं लिया या क्यों मैंने लोकल स्टोर से नहीं लिया। जो पैकेजिंग है आप इससे समझ सकते हो, जो इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया है टीवी का है, तो जब पैकेजिंग शिप होती है तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है एंड जो भी डिलीवरी सर्विस है उसको मालूम है कि यहाँ पे एक फ्रेजाइल आइटम है। तो इसके लिए ये काफ़ी इनोवेटिव इन्होंने तरीका निकाला है कि यहाँ पे एक टीवी का एक मॉनिटर स्क्रीन का यहाँ पे बनाया हुआ है, तो जिससे कि कोई भी लोड करने वाले जो पैकर्स होते हैं उनको समझ आ जाएगा कि इसमें टीवी वगैरह ऐसा कुछ आइटम है, तो वो अच्छा से केयर करेंगे एंड इसको ईजिली हैंडल करेंगे। सो कल मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो आज इसको मैं जल्दी से ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कौन सी साइकिल है एंड इसको जल्दी से फिट करेंगे, रेडी करेंगे और मैं पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना चूज माई बेस्ट साइकिल से कैसा रहा है। बाय द वे आगे बढ़ने से पहले देख सकते हो जो इसकी जो हाइट है ये ऑलमोस्ट 4 फीट अराउंड है, मतलब 3.5 या 4 फीट का हाइट पे है, तो काफ़ी बड़ी पैकेजिंग है साइकिल के कंपेरिजन में। मतलब ये जो बॉक्स आया था तो मैं काफ़ी हैरान हो गया था देख के इतनी बड़ी पैकेजिंग है, और इसका अभी रीज़न मैं बताऊंगा क्यों इतनी बड़ी पैकेजिंग है। बिकॉज जो साइकिल अंदर है वो रेडी टू ड्राइव है बिल्कुल, आप इसको निकाल के और चला सकते हो, तो पूरी फिटमेंट आपको पहले से फिट आती है, बस आपको पैडल्स एंड जो सीट होता है उसको एडजस्ट करना है, हैंडल को स्ट्रेट करके टाइट करना है, तो टूल्स वगैरह सब कुछ इसमें है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको इससे समझ आ जाएगा कि कौन सी कंपनी की मैंने साइकिल ली है। तो देख सकते हो 91 साइकिल्स की ये कंपनी का है एंड मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है ऑरेंज एंड ब्लू। तो यहाँ पे देख सकते हो एसेसरीज पहले से लगी हैं कुछ, जैसे कि बॉटल होल्डर है एंड मड गार्ड यहाँ पे अटैच किया हुआ है ऑलरेडी, और कुछ एसेसरीज यहाँ पे हैं लॉक वगैरह और टूल्स इसके अंदर मिले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक टायर पॉलिश भी दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बंडल मेरे को मिली थी। यहाँ पे जो व्हील्स वगैरह हैं, डिस्क वगैरह एंड बाकी सब कुछ पहले से अटैच आता है, तो ये एक एडवांटेज मिलता है आपको यहाँ पे। अदरवाइज़ अगर आप वेबसाइट से लोगे तो आपको ये चीज़ करवानी पड़ेगी, इसके लिए 700-800 रुपीज़ खर्च करना पड़ता है एक्स्ट्रा, अगर आप होम सर्विस चाहते हो मतलब डोर स्टेप आपको ये इंस्टॉल करके देंगे। ये थोड़ा मेरे को ये ऑड लग रहा है क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे स्टिकर था जो रेड कलर का रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि निकल गया है कि शायद उन्होंने निकाल दिया है, पता नहीं, बट ये चीज़ मिसिंग है यहाँ पे। और सेम वही आगे वाले पे भी ये स्टिक हो रहा है बट यहाँ पे वो है नहीं। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो ये सारी चीज़ें थी जो इसके साथ हैं, पैडल तो ये किट में ही आता है और इसके साथ टूल्स हैं, टूल एक पूरा सेट मिला हुआ है, स्पैनर्स एंड एलन की वगैरह, तो उसकी मदद से आप अपने साइकिल के जो भी नट बोल्ट्स हैं वो टाइट कर सकते हो। इस साइड का हो गया, आप दूसरे साइड का भी लगा लेते हैं। तो पेडल्स हो गए दोनों साइड के, अब हैंडल बार को एडजस्ट करना है। ये यहाँ से लॉक कर देंगे बस। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली ये स्ट्रेट हो चुका है, तो ये हो गया हैंडल फिट। तो ये देख सकते हो ये है 91 का सीट, मीडियम कुशन है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इसके ऊपर मैं कुछ सीट चेंज करूँगा बिकॉज ये एक अनकम्फर्टेबल रहता है, काफ़ी छोटे सीट्स रहते हैं तो इसमें बहुत दिक्कत आती है, तो इसके ऊपर मेमोरी फोम वाला लगाऊँगा मैं
टायर काफ़ी अच्छे हैं, 2.2 इंच के ये ऑफ रोडिंग माउंटेन बाइकिंग के टायर्स हैं। तो इसमें मेंशन है 30-55 PSI का, या अगर बार्स में देखें तो 2-4 बार्स का प्रेशर होना चाहिए इसमें। तो इसको फिल कर लेते हैं जल्दी से। 40 PSI का यहाँ पे प्रेशर इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं एयर। तो ये हो गया टायर का एयर फिल, दोनों में 40 PSI किया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपली निकाल देता हूँ, क्योंकि इसका आप सभी को वेट था और मुझे भी है, तो अब और वेट नहीं होता। अब इसको जल्दी से खोलते हैं। नई साइकिल को अनरैप करने का जो मज़ा है वो बता नहीं सकता मैं। बाइक में भी इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि बाइक में एक्चुअली कुछ होता नहीं है। तो काफ़ी अच्छी तरह से बबल रैपिंग किया हुआ है, तो जो पेंट पार्ट है वो सब कुछ कवर्ड है अच्छे से। बचपन में साइकिल लेते थे जब पापा, तो इसको खोलते नहीं थे और ऐसे ही काफ़ी दिन तक चलाना पड़ता था। बोलते थे कि साइकिल ख़राब हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, इसलिए ऐसे ही रहता था ये काफ़ी दिन तक। एंड अब सिर्फ जो बचा है वो है फ्रंट फोक्स, तो इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी स्क्रैच यहाँ पे है, यहाँ पे सामने देख सकते हो ये स्क्रैच हो चुका है, पेंट ही निकल चुका है काफ़ी सारा, और इस साइड तो ठीक लग रहा है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है जब भी आप ऑनलाइन कोई भी ऐसा कोई आइटम मंगाते हो तो। गजब बेइज्जती है। Give them what they want. तो फाइनली आप देख सकते हो ये पूरा अनबॉक्स हो चुका है, अनवील कर दिया है मैंने आपको। कैसा डिज़ाइन है आप बताओ, कमेंट करके बताओ। 91 साइकिल्स का आपको ब्रांडिंग दिख रहा है, ये नया वाला ब्रांडिंग है। पहले यहाँ पे आता था फ्रॉग और स्नो लैपर्ड, तब भी था, तो स्नो लैपर्ड अब 91 साइकिल्स के नाम से आता है। तो जो पेंट क्वालिटी है वो मैट पेंट है एंड काफ़ी अच्छी एक स्मूथ फिनिश में दिया हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पेंट क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, जैसा पिक्चर्स में देखने को मेरे को मिला था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रहा है ये रियल में। तो इस बाइक को लेने से पहले मैंने इसको लोकल स्टोर पे भी चेकआउट कर लिया था एंड मैं जाके देख के आया था कलर कैसा दिख रहा है, बिकॉज इमेजेस में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड अभी आपको जो कैमरे पे दिख रहा है ना, ये ऑरेंज उतना पॉपिंग नहीं दिख रहा जितना आपको कैमरे में दिख रहा होगा। ऑरेंज स्पेशली काफ़ी अच्छा लगता है, ब्लू एंड ऑरेंज का जो कॉन्ट्रास्ट है ब्लैक के ऊपर वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ये जो ब्रांडिंग है वो भी पेंटेड है, स्टिकर नहीं है, दिस इज़ प्रिंटेड पार्ट, सो कहीं से भी कुछ स्टिकर्स जैसा नहीं है कि निकल जाएगा एंड ख़राब हो जाएगा। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, यहाँ पे प्रीमियम आपको फील होती है जिस साइकिल में। एंड यहाँ पे स्नो लैपर्ड की आप देख सकते हो, स्नो लैपर्ड ऑरेंज कलर से बना हुआ है। बाय द वे आप यहाँ पे देख सकते हो ये है शिमानो एसरा का गेयर सिस्टम, तो ये 21 गेयर सिस्टम है, पीछे यहाँ पे है 7 एंड आगे की तरफ है 3। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर यहाँ पे 1 से लेके 7 तक है एंड यहाँ पे है 1 से लेके 3 तक। ये जो हैंड ग्रिप्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, सॉफ्ट पैडेड है और रबड़ के हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रिप मिलता है। जूम के यहाँ पे सस्पेंशन दिए हुए हैं जिसका ट्रैवल 80mm है और यहाँ पे आपको लॉकिंग सिस्टम भी है, तो आप चाहो तो इसको लॉक कर सकते हो। एंड बहुत जल्दी मैं एक और साइकिल लेने वाला हूँ, जो बेसिकली मैं पहले लेने वाला था इसको छोड़ के उसको लेने वाला था, बट वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं था इतना, और जो मैंने कंपनी से बात की तो उनके पास भी उसके डिटेल्स नहीं थी, पिक्चर्स नहीं थी, तो इसके लिए मैंने इसको परचेज़ किया। एंड ये बेस्ट सेलर है 91 साइकिल्स का, मोस्ट सेलिंग MTB बाइक है। ये चीज़ है एसेसरी एक अटैच की हुई
इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या चीज़ें थी, ओके मड गार्ड है, फ्रंट एंड रेयर दोनों, इसके साथ बेल यहाँ पे एक मिला है फ्री व्यू में, एंड इसके साथ एक लॉकिंग सिस्टम था। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो मेरे को एज अ फ्री व्यू मिली थी, एंड ऑल्सो 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला था। तो ये पूरा एक पैकेज मुझे मिला था 27,300 रुपीज़ का विथ अ डिस्काउंट 500, सो 27 कुछ अराउंड का पड़ गया था, इंक्लूडिंग ऑल दी चार्जेस, शिपिंग वुपिंग सब कुछ जोड़ के, शिपिंग वैसे फ्री है इनकी। तो ये सारा पूरा एक बंडल पैकेज था, एंड जो कि मार्केट की प्राइस से थोड़ा कम था, एंड यहाँ पे जो फ्रीवीज थे वो आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलते। तो गाइज़ ये बात थी, इसी के लिए मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया, बट यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीज़ें यहाँ पे लॉस होती ही होती हैं जब ऑनलाइन आप करते हो कोई भी चीज़ ऑर्डर। तो मतलब कई बार ट्रांसिट में ऐसी चीज़ें जो होती है, मेटल फ्रेम वगैरह, पेंट वगैरह यहाँ पे डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ दो चीज़ दिख रही है जो डैमेज है फिलहाल, तो एक तो ये चीज़ मिसिंग है कैप्स दोनों तरफ के, एंड एक थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैच है जो कि थोड़ा सा ऑड है, बट ये चीज़ कवर हो सकता है स्टिकर वगैरह से, या मे बी लाइक स्प्रे पेंट से यहाँ पे मैं कवर कर दूंगा इसको, तो ये दिखेगा नहीं। और तो बाकी सब सही लग रहा है, अच्छे से पैकेजिंग है, पैकेजिंग नो डाउट बहुत अच्छे से है, बट कई बार ट्रांसपोर्ट में होता है कि ऐसे चीज़ें हो जाती हैं, तो इसमें कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है, बट ये है कि हाँ रैपिंग और अच्छी होती, बबल रैपिंग आप देख सकते हो इन पार्ट्स पे थी, अगर वहाँ पे भी होता फोक्स पे तो शायद स्क्रैच नहीं पड़ता। तो ये एक चीज़ है जो कंपनी को देखना चाहिए, सो ये चीज़ कंपनी से डिस्कस करेंगे। और बाकी तो इस वीडियो में बस इतना ही, अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाना था वो मैंने आपको दिखा दिया, साइकिल आप देख सकते हो कैसी है, आई होप आपको ये अच्छी लग रही होगी। अभी इसके ऊपर काफ़ी सारे राइड रिव्यूज़ रहेंगे, और मेरा एक्सपीरियंस पूरा इसके साथ कैसा है, अभी गियर सिस्टम मेरे को सीखना पड़ेगा, इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, बट यस मुझे कॉम्बिनेशन पता है कैसे चेंज करते हैं, कैसे लो एंड हाई का यूज़ करते हैं, सो वो चीज़ मैं सीख जाऊँगा अच्छे से, एक बार परफेक्शन हो जाए तो इसके बाद अच्छे से आपको मैं बताऊँगा, एंड मेंटेनेंस वगैरह के ऊपर भी सारे वीडियोज़ लाऊँगा मैं बहुत जल्दी। सो इसके रिगार्डिंग कोई भी सजेशन या टिप्स हो तो आप मुझे दे सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। सो बहुत सारे अभी वीडियोज़ आने वाले हैं इसके ऊपर, यहाँ पे मैंने एसेसरीज़ वगैरह ले ली थी जो साइकिल से पहले आ चुकी थी, तो वो मैं लगाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग मॉडिफाइड ब्लॉग, स्टे सेफ, राइड सेफ, एंड बाय। So please whatever. I want to reach 1,000,000 likes. So please sarapakara.